अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक क्या हालचाल है आप सबके दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो तो अभी मैं यहाँ पे खाना बनाने लगी हूँ लेकिन उससे पहले चिकन को मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ यहाँ पे रात के टाइम और मैं लंच में बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार से टिके और इसकी रेसिपी मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ बहुत ही मज़े के बनते हैं लहसुन पाउडर डाल दिया है तिक्का मसाला मैं डालूंगी उसके साथ लेमन डालूंगी थोड़े से मैं अपने मसाले ऐड करती हूँ लाल मिर्च डालें पिसी हुई और जो कुटी हुई होती हैं बहुत बहुत मज़े की लगती हैं इतना मज़े का ये स्पाइसी टिक्का बनता है ना कि आपने अगर कभी घर पर ट्राई नहीं किया इस तरह ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अच्छा लाल मिर्चें आपकी मर्ज़ी आप जितना भी स्पाइसेस आप पसंद करते हो कम ज़्यादा कर सकते हैं फूड कलर डाला है और फ्रेश लेमन के साथ आज इतना मज़े का बना था अक्सर मेरे पास फ्रेश लेमन नहीं होता ना तो मैं दूसरा वाला डाल लेती हूँ जो बॉटल वाला होता है और आज तो स्पेशली मुझे उस्मान कह रहे थे मुझसे पूछ रहे थे आज क्या स्पेशल चीज डाली है टेस्ट इतना मजे का है मैंने कहा आज फ्रेश लेमन डाला है इसलिए इतना मजे का बना है तो ये बस मैंने मैरिनेट करके रात के टाइम रख दिया था अभी जी मैं बनाने लगी हूँ लंच और ये नेक्स्ट दोपहर है तो नेक्स्ट डे है दोपहर का टाइम है अभी मैं लंच बना रही हूं और ये जो मैंने आपको दिखाया था मैंने रात को सारा मैरिनेट करके रखा था अच्छा इसमें ऑयल भी डाला जाता है और मैंने जो है ना वो नहीं डाला था मैं भूल गई थी फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था वैसे भी ऑयल थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ तो ये है कि आप इसमें ऑयल ज़रूर डालिएगा ऑयल से शाइन बहुत अच्छी आती है तो मैंने फिर क्या किया था कि मैंने इस टाइम पे ऐड कर दिया था क्योंकि रात के टाइम मैं जरा जल्दी जल्दी में काम कर रही थी और मुझे भूल गया था मसाला लगाना फिर मुझे याद आया तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो बाद में ऑयल डाल लूँगी और आजकल मेरा दिमाग जो है ना वो इतनी दस्त चीज़ों में स्टक हुआ हुआ है ना तो इसलिए ये ऊपर नीचे खैर हो जाता है तो मैंने यहाँ पे फिर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो इसके ऊपर ऐड कर दिया था डाल दिया था वैसे भी एयर फ्रायर में अगर आप डालें ना डालें कम डालें तो वैसे भी ये सेपरेट हो जाता है लेकिन हाँ ये है कि टेस्ट पे बहुत फर्क पड़ता है आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ मटर पुलाव बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ बीच में जो है ना मैंने वैसे बिरयानी बना लेती हूँ पुलाव बना लेती हूँ लेकिन ये है कि ये मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ क्योंकि टिक्के बना रही थी टिक्के खाने को मेरा बड़ा दिल चाह रहा था थोड़े से ज़रा स्पाइसी टाइप के होते हैं मज़े के लगते हैं तो मैंने कहा आज टिक्के बना लेते हैं तो फिर टिक्के बना रही थी फिर इसमें भी चिकन ऐड करती या गोश्त करती तो बहुत ज़्यादा मीट हो जाता तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं इसमें मटर ऐड कर लूंगी और साथ टिक्के बना लूंगी तो प्याज जो है इनको मैंने ब्राउन कर लिया टमाटर डाल दिए लहसुन अदरक का पेस्ट डाला बाकी साबित मसाले डाल दिए और झटपट से जल्दी जल्दी ये काम हो रहा था क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड को लंच पैक करके देना था और ये टाइम मेरा ऐसे होता है कि ये काफ़ी बिजी गुजरता है उसके साथ आप सबको पता है कि आजकल पैकिंग शेकिंग शॉपिंग सब कुछ जो है ना वो चल रहा है घर का समेटा समेटी सब काम जो है ना वो आजकल चल रहे हैं तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि बस जल्दी जल्दी जितने काम जो है ना वो जल्दी हो सकते हैं कर लूं उसके अलावा कुछ कपड़े भी रखे हुए थे मैंने कहा वो भी वॉश कर लूं उस्मान की वाइट शर्ट्स थी और बेड शीट्स चेंज करनी थी और बहुत बहुत सारे काम जो है ना वो मेरे साथ साथ चल रहे हैं अच्छा जी ये देखें इसके बाद मैंने इसको दम लगा दिया था और आप ये देखें कितने मज़ेदार से जो है ना वो टिक्के रेडी हो गए और अभी एक और काम मैं जरूर करती हूँ कि मैं फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ उससे बिल्कुल जो ओरिजिनल बारबेक्यू वाला टेस्ट है ना वो आ जाता है साथ साथ यहाँ पे दही भी मैं फेंट रही हूँ और ये बहुत ही काम का है मैं हमेशा जब भी यूज करती हूँ ना आपको बताती हूँ ये वाकई सेकेंड्स में जो है ना दही को फेंट लेता है तो ये देखें कितने मजे का दही जो है वो रेडी हो गया है तो ये अभी मैं उस्मान को भी दूंगी और मैं भी खाने के साथ खाऊंगी तो बस ये भी डन हो गया और ये देखें ये स्टेप मैं करती हूँ इससे अगर आपके पास कोयले नहीं है और आप बार्बी क्यू करना चाहते हैं या खाना चाहते हैं मजा लेना चाहते हैं बार्बी क्यू का तो ये सेम वैसे टेस्ट आता है बहुत मजे का बनता है और इसमें जो फ्रेश लेमन डाला है और उसके साथ बारबी क्यू का टेस्ट ना बहुत बहुत माशाला अच्छा बना था ये इसको बहुत ज़्यादा मैं जलाती नहीं हूँ बस हल्का हल्का इस तरह से इसको मैं मूव करती रहती हूँ और बस इसमें थोड़ा सा जो है ना वो टेस्ट आ जाता है मतलब बहुत ज़्यादा जलाती नहीं हूँ थोड़ा थोड़ा जला हुआ जो बार्बी वाला टेस्ट होता है वो तो अच्छा लगता है और आप देखें माशाल्लाह से आज पुलाव कितना मज़े का रेडी हुआ है आज पुलाव भी बड़ा अच्छा बना था अच्छा कभी कभी ना हम जल्दी जल्दी में काम कर रहे होते हैं लेकिन काम जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे हो जाते हैं तो ये देखें ये भी रेडी हो गया और बस अभी जल्दी से जो है ना मैं लंच बॉक्स पैक करूँगी और उस्मान जो है ना वो तो जा रहे हैं डेली उनका तो जो अपनी रूटीन है जॉब है वो सब चल रहा है तो ये है कि बस ये काम तो अब करने ही होते हैं लंच पैक करना बनाना आप जितने बिजी हो जो भी हो तो ये काम भी चल ही रहे होते हैं अच्छा आज ना मैं बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने जा रही हूँ ग्रॉसरी तो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और यहाँ पे देखें मैं आपको साइकिल्स दिखा रही थी ये यहाँ पे मिलते हैं और लोग लेके चलाते हैं इन्जॉय करते हैं अच्छा मैं आपको बता रही थी आज ना एक तो मैंने अपनी मल्टी वाइटामिनस लेनी थी और मैंने डॉक्टर को अपनी सिचुएशन बताई थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप किसी भी स्टोर से जाके मल्टी वाइटामिनस ले लें लेकिन मैं फॉलिक लेती हूँ वाइटामिन डी लेती हूँ और आज मुझे स्पेशली लेने थे आयरन आयरन की टैबलेट्स लेनी थी तो वो मैंने ले ली है और उसके साथ मुझे कुछ चीज़ें ले कर रखनी थी कि हम जब इन शाला तला वापस आएँगे तो ज़ाहिर है हमें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई प्लेट में सजा के देगा या आपके लिए रखेगा तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें ऐसी लेनी थी जो कि मैं फ्रीज़र में रख, रख के जाऊँ और कुछ चीज़ें मैंने ऐसे लेनी थी जैसे लॉन्ग लाइफ मिल्क होता है और इस तरह की चीज़ें लेके मुझे रख के जानी थी तो इसलिए ये रोटियां देखें ये भी मैं ले रही हूँ मैंने भिंडी भी ली है दूध भी लिया है तो इस तरह की चीज़ें लेके जो कुछ मैं स्टोर में रख दूंगी कुछ चीज़ें जो है ना मैं फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि हम जब वापस आते हैं इन शाला तल इनशा ताली अल्ला पा खैर से ले जाए खैर से वापस लेकर आए तो ये है कि फिर वापस आके ज़ाहिर रहे खाना पकाना होता है फ़ौर आके तो नहीं आप ग्रॉसरी करने भागेंगे ऑयल ले लिया और थोड़ी सी इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये फ्रूट तो हमने अभी लिया है कि अभी ये दिन है तो खाएँगे इनशाल्ल्ला और कुछ सब्जियाँ भी ले ली जो बनाएंगे अच्छा यहाँ पे हम आए ना तो मुझे उस्मान कह रहे थे बैग्स कितने प्यारे लग रहे हैं ले लो तो मैंने कहा अब मैंने बैग्स लेके क्या करना है अब जो लेना था ले लिया मैंने बस अब ये वाली शॉपिंग नहीं करनी है कुछ हमें कपड़े लेने थे वो देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे तो वो भी हमें कोई ख़ास पसंद नहीं आए फिर उसके बाद यहाँ पे उस्मान ने जो है प्ले स्टेशन की सीडीज़ वगैरह देखनी थी तो वो देखने के लिए हम आ गए तो खैर हमने चीज़ें ले ली फिर मैं रात को बड़ी थक गई थी खाना तो मैंने बनाया हुआ था हम रात को काफ़ी लेट गए थे ये सारी चीज़ें लेने के लिए और ये देखें सारी स्टोर से चीज़ें जो है ना उस्मान ने बाहर निकाली हुई है उनको कुछ चाहिए था सारा स्टोर उन्होंने बाहर जो है ना वो निकाला मैंने कुछ रख लिया कुछ मैंने कहा मेरे साथ आप मिल के कराना क्योंकि वो मैंने ऊपर रखना था और काफ़ी भारी सामान था ग्रॉसरी मैंने रात को काफ़ी सारी समेट ली थी थोड़ी सी ये रखी हुई थी उसके अलावा आज सुबह से उठ के मेरा टास्क ये था कि मैं कपड़े वॉश कर रही थी तो उस्मान की वाइट शर्ट्स भी मैंने वॉश करनी थी बेड शीट्स भी मैंने वॉश करनी थी तो बस आज मेरे ये काम थे और ये देखे मेरे घर का क्या हाल हुआ हुआ है तो खैर अभी ये काम जो है ना इन हो जाएंगे अभी मैंने चाय पी है क्योंकि मैं बहुत थक गई थी मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कर रही थी अच्छा ये ग्लू मैं लेकर आई थी कैमरा मैंने जो है ना ये अपना फिक्स करना है और ये मैं आपको बताऊँ इसका क्या हाल हुआ है पाकिस्तान की गर्मी में जो है ना इसका कवर खराब होना स्टार्ट हो गया और ये उस्मान की जो शर्ट्स है ना सारी वाइट शर्ट्स तो ये मैंने सारी वॉश कर ली आई थिंक पाँच छः हैं अच्छा इनमें हल्की हल्की नमी थी मैंने इनको यहाँ पे हैंग कर दिया है ताकि ये अभी मैं आयरन कर लूँगी लेकिन इनको बाद में करूँगी अभी वैसे ही मैंने कल वॉश की थी रात के टाइम तो अभी हल्की हल्की नमी है तो इनको आयरन करूँगी इनको मैंने सबको यहाँ पे हैंग कर दिया है ताकि यहीं पे बैठ के करके आयरन और यहीं पे बैठूंगी यहीं पे आयरन करूँगी और इसको अलमारी में रख दूंगी अच्छा उसके अलावा ये मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह भी अभी मैंने डूए कवर सब बेडशीट्स चेंज किए हैं ये मैंने सारे वॉश कर दिए हैं कल वाले कपड़े जो है ना वो भी काफ़ी सारे ड्राई हो गए हैं लेकिन इनको अभी थोड़ी सी नमी है अभी थोड़ी देर बाद रखूँगी या रात को रखूँगी तो ये अभी मैंने सारे वॉश करके यहाँ पर रख दिए हैं उसके अलावा चीज़ें मैंने बाकी तो सारी रख ली थी ये वाटर जो है ना ये आज मैं काटूंगी और मैं आज बनाऊंगी पास्ता एक मैंने और काम किया आज मैं बड़ी सुपर एक्टिव हुई भी थी काम मैंने ये किया है कि ये जो कैबिनेट्स हैं ना इनको मैंने सारा चमकाया ये देखें सारा चमका है वो पीछे वाली जगह रह गई ये सारे जो है ना साफ हो गए हैं ये वाला भी मैंने सारा साफ कर लिया तो ये सारे काम जो है ना वो भी हो गए हैं डन शुक्र विंडो मैंने का ओपन तो नहीं है ये वाली जगह रहती है इसको मैं करूंगी बाद में लेकिन शुक्र है कैबिनेट सारे साफ हो गए हैं इनका प्रॉब्लम सॉल्व अच्छा जी तो वीडियो कमेंट करती हूँ और मेरी ना आजकल हालत बहुत शदीद खराब हुई हुई है अभी एट थर्टी फाइव हो रहे हैं साढ़े आठ हो रहे हैं तो पर्दे मैंने बराबर किए हुए हैं अदरवाइज़ यहाँ पे रोशनी काफ़ी लेट रहती है तो आ, मेरी ना हालत एक तो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है अभी मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ क्योंकि मुझे अपने अभी आ, एक दो व्लॉग्स भी ये एडिट करने ये वाले जो आपसे बात कर रही हूँ ताकि मैं सफ़र में हूँ या मैं बिज़ी हूँ या कहीं भी हूँ मैं तो आप मेरे व्लॉग्स देख लें और ये मेरे लिए भी मेमोरी है मुझे भी याद रहती है मैं पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ मुझे बहुत मजा आता है अपने पुराने ब्लॉग्स देखती हूँ लाहौर के इस्लामाबाद के और हमें ना उस टाइम पे फील नहीं हो रहा होता जब टाइम आगे जाता है हमारी लाइफ में चेंजेस आती हैं हम थोड़े से आगे जाते हैं तो उस टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा ये चीज़ है ना एक बहुत ही प्यारी प्रेशियस मेमोरीज जो है वो कैप्चर हो जाती हैं और मुझे भी अपने ब्लाग्स देख के बहुत अच्छा लगता है आप लोग भी जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो हमेशा कहते हैं मरियम आपके पुराने वाले ब्लाग्स देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है तो इसलिए कभी कभी मैं थक जाती हूँ ना ये इस तरह से लेकिन मुझे बचपन से ही बहुत शौक है बहुत अच्छा लगता है मेमोरीज़ को कैप्चर करना फ़ोटोज़ लेना वीडियोज़ बनाना तो अब तो खैर मैं यहाँ पे हूँ ब्लॉगिंग करती हूँ तो ये चीज़ ना मुझे खुद से खुशी देती है सेटिस्फेक्शन देती है तो मैंने कहा चले आप भी मेरी फैमिली है आपको भी अपडेट देती रहूँ साथ साथ उसके अलावा यह है कि अपनी मेमोरीज भी कैप्चर करती रहूँ और ये मेरे पास रहेंगी मेरे साथ साथ रहेंगी जहाँ भी मैं होती हूँ यूट्यूब ओपन करती हूँ पुराने व्लॉग्स देख लेती हूँ तो दिल खुश हो जाता है और कभी कभी तो मतलब जाहिर है डेली व्लॉगिंग एडिटिंग करना और मुझे याद भी चीज़ें नहीं रहती हैं तो जब मैं देखती हूँ मुझे इतना अच्छा लगता है समटाइम लाहौर के पुराने व्लॉग्स देख रही होती हूँ इस्लामाबाद के बहुत दिल खुश हो जाता है तो खैर अभी मैं आपको ये अपडेट दूं मैं बातों में कहाँ से कहाँ चली जाती हूँ अपडेट ये है कि अभी उस्मान ने स्टोर की चीज़ें जो है ना वो सारी निकाली भी थी उनको मैंने सेट करना है और उसके अलावा अभी उस्मान की शर्ट्स भी ये पीछे हैंग हुई हुई हैं इनको मैंने आयरन करना है देखती हूँ टाइम कितना है कितना मिलता है उस्मान को तो बिल्कुल ऑफ नहीं है हमारा जो प्लान है जिस तरह से हमने बनाया तो उसमें उस्मान तो फ्री नहीं हो रहे तो खैर मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं घर भी समेटना पैकिंग भी करना की शॉपिंग भी मोस्टली करना और ये सब कुछ जो है ना वो चल रहा है और साथ साथ मेरा काम होता है मेरी एडिटिंग होती है तो ये भी हो रहा होता है तो चलें जी वीडियो का मैं एंड करती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं अभी एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने एंड ही नहीं किया मैंने कहा चले मैं एंड कर लेती हूँ आपसे बात कर लेती हूँ और बस ये है अपडेट दुआ कीजिएगा खैर खैरियत के साथ हम लोग चले जाएं पहुँच जाएँ खैर खैरीत के साथ बाकी इनशा मैं साथ साथ आपको अपडेट करती रहूँगी बताती रहूंगी इन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन ताला तला so जल्दी मिलते हैं अच्छे मूड के साथ अच्छे ब्लॉग्स के साथ और अच्छी एनर्जी के साथ पॉजिटिविटी के साथ इन शाह जल्दी मिलते हैं अल्लाह हाफिज़